सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हीरो फिनकॉर्प पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। काफी लोगों ने बोला भी है इसके बारे में वीडियो बना दीजिए, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कुछ आपको स्टेप्स भी यहां पर बता दें, क्योंकि मैं कुणाल भाई के लिए इसको अप्रूव करने वाला हूं। हालांकि उनका सिविल स्कोर लो है तो रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, 560 उनका सिविल स्कोर है। तो चलिए एप्लीकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कंबाइंड टाइप के रिव्यू मिले हुए हैं, काफ़ी लोगों को लोन मिला है, काफ़ी लोगों को लोन नहीं भी मिला है। तो मेक श्योर आपका सिविल स्कोर देखिए अच्छा होना चाहिए। वैसे इन्होंने ये बोला हुआ है कि सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन काम करती है। प्रोसेस चेंज हो चुका है, एप्लीकेशन भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, बिल्कुल ही नया इंटरफेस वैसे यहाँ पर आ गया है। फिर भी जो भी डिटेल्स है स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको शेयर कर देते हैं। आपको सही लगता है अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, वो भी भाई सब्सक्राइबर ने बोला है, तो आपको डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर देते हैं। चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ जो स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं भाई हीरो फिनकॉर्प एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोला भी है वीडियो बनाने को। यहाँ पर आप 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% सालाना के हिसाब से आपको देना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन आपको मिल जाता है सिंपल KYC बेस के ऊपर, ऐसा एप्लीकेशन का कहना है। बाकी अप्लाई कर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल अपनी शेयर करनी है, जैसे कि नेम, इनकम, पैन नंबर, KYC डिटेल, उसके बाद लोन आपको ट्रांसफर कर दे दिया जाता है। सैलरीड विद और विदाउट सिविल स्कोर, बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। 750 से ऊपर देखिए सिविल स्कोर होगा तो चांसेस हैं कि आपको लोन मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी देखा गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 50-50 चांसेस होते हैं। सैलरीड वालों को वैसे जल्दी लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। सपोर्ट का ईमेल अवेलेबल है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए कुछ पॉजिटिव मिलेंगे आपको, कुछ यहाँ पर नेगेटिव मिलेंगे, यानी कि दोनों तरफ से आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, सैलरीड है, तो भाई काम आपका जल्दी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बाकी चलिए अप्लाई कर देख लेते हैं। हालांकि मैं इसको कुणाल भाई के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मेरी फायरिंग बहुत ज़्यादा है, सबका रिजेक्शन नहीं होना है मेरा, तो अगर मैं अप्लाई भी करूंगा तो यहां पर लिखा है भाई 3 स्टेप में आपको भाई लोन मिल जाएगा, 100% डाटा यहां पर सिक्योरिटी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों हमें शेयर करना है अपना मोबाइल नंबर और OTP वेरीफिकेशन अपनी यहां पर कंप्लीट करा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कुणाल भाई का अकाउंट है, ट्रस्टेड है 1 मिलियन। लोन के लिए गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर खुल के आ जाता है कि आपको कितनी यहाँ पर नीड है, यानी कि 50,000 रुपये से लेकर पूरे 3 लाख तक के लिए आप दोस्तों लोन ले सकते हैं। अब कितना लोन लेना है वो आपको यहाँ पर जज करना है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% का यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, ठीक है। अब आप जितना लोन लेना चाहते हैं उतना अमाउंट सेलेक्ट करें। मैं 50,000 रुपये ही फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनका सिविल स्कोर लो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है सेम 25%। अप्लाई फॉर लोन के ऊपर यहाँ पर दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है कि 3 स्टेप में आपको बता दिया जाएगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहला पर्सनल डिटेल, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद KYC और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ई साइन इन करना है और लोन आपका भाई खाते में डाल दिया जाता है। गेट स्टार्टेड के ऊपर दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा लोन लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों पहले स्टेप में आपको अपना पैन नंबर शेयर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शेयर करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो एक काम करते हैं, चलिए पैन नंबर शेयर कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी वैसे डाल दी है, और टर्म्स एंड कंडीशन अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समय दीजिएगा, प्रोसेसिंग अभी फिलहाल यहाँ पर चल रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपके जो आधार कार्ड वाले एड्रेस हैं वो शेयर यहाँ पर करे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बस कंफर्म करना है कि कौन से एड्रेस पे आप रहते हैं। करंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों उसके आगे हम फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं कंफर्म के ऊपर। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स भी आपको दोस्तों यहाँ पे शेयर करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई फादर का नाम, मदर का नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है, जेंडर भी आ चुका है। सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये सैलरीड है सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री टाइप आपने चूज़ करनी है कि यानी कि आप कौन सी इंडस्ट्री में यहाँ पर जो है वर्कआउट करते हैं। तो ये डिटेल जो है बेसिक ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स वैसे डाल दी है, कंपनी का नाम भी मैं एक सर्च करके डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारी चीज़ें फिल कर दी मैंने, सर्विस सेक्टर डाला है, कंपनी का नाम डाला है और भाई 35,000 रुपये इनकम यहाँ पर शेयर करिए। कन्फर्म करना है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर जो कन्फर्म का बटन है इसके ऊपर क्लिक आपने कर देना है और भैया नेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे जो है क्लिक कर लेते हैं। ऐसी कंपनियाँ दोस्तों देखिए मेजर सिटीज़, बिग सिटीज़ में वर्कआउट करती हैं, विलेजेस वगैरह में शायद वर्कआउट ना भी करें। अभी मैं लिखा है भाई थैंक्स फॉर शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल विद अस, और प्रोसीड के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब लिखा है लोन इज़ अंडर प्रोसेस।
हाँ लेकिन इनका सिविल स्कोर देखिए, हम जैसे कि मैंने बोला भाई 560 ही है, तो हो सकता है कि रिजेक्शन ही हो जाए। बाकी नेक्स्ट जो प्रोसेस रहने वाला है सिंपल, आपको अपनी KYC करनी है और भैया अपना नैच यहाँ पे इनेबल करना है। हो सकता है इनकम वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग से SSB आपका मांग ले। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया भाई, सॉरी वी आर अनेबल टू अप्रूव योर लोन एट दिस टाइम। और रजिस्टर्ड मेल आईडी पे इन्होंने बोला है कि भाई हमने डिटेल शेयर कर दी है कि आपका जो रीज़न है रिजेक्शन का वो है, और ये भी लिखा है कि भाई कैसे आप लोन के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। 30 दिन के बाद दोस्तों यहाँ पे बोले कि आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो लोन है रिजेक्शन हो गया है कुणाल भाई का, मे बी सिविल स्कोर के वजह से। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।